डेवलपमेंट अल्टरनेटिव नई दिल्ली संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण के संयुक्त तत्वाधान से आदर्श युवा समिति एवं गंगा सभा हरिद्वार के सहयोग से हरिद्वार विष्णु घाट से अपर रोड होते हुए हर की पौड़ी तक रैली अलग अलग संस्थाओं के स्वयं सेवकों ने प्रतिभाग कर एक रैली का आयोजन कर नगर वासियों को प्लास्टिक के प्रति जागरूक किया एवं हर की पौड़ी के सामने घंटाघर क्षेत्र में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसके मुख्य अतिथि परम पूज्य श्री दक्षिणा काली पीठाधीश्वर कैलाश नंद जी महाराज श्रीमती अरुषि निशंक पोखरियाल अपर मेला अधिकारी ललित नारायण मिश्रा जी की उपस्थिति में प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर अरुषि निशंक पोखरियाल ने कहा कि हमको मनुष्य से प्रेम करना चाहिए प्लास्टिक से नहीं। कैलाश नंद जी ने सभी को प्लास्टिक मुक्त गंगा की शपथ दिलाते हुए बताया कि गंगा का पानी पानी नहीं है अमृत है। प्रोफेसर पी डी जोशी ने बताया कि प्लास्टिक पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है और उन्होंने बताया कि एक साल में हम लोग इतना प्लास्टिक उत्पादन कर रहे हैं जितना पूरे विश्व में मानव का वजन है। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय में वशिष्ठ जी ने सभी को गंगा की पवित्रता के बारे में समझाया और साथ ही सबको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए गंगा में प्लास्टिक न डालने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर आदर्श युवा समिति विलेज डेवलपमेंट सोसाइटी प्रभात स्किल सेंटर तारा अक्षर कार्यक्रम हरिद्वार नव प्रभात विकास संस्थान भगवानपुर एवं अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव की ओर से आकृति दिव्या मनसवी अनीसा आस्कर बीडीएस राज बहादुर सैनी पारस सैनी मोहित विशाल तालिब गंगा सभा की ओर से अध्यक्ष प्रदीप झा उज्जवल पंडित सिद्धार्थ चक्रपाणी एवं अन्य 2000 से ज्यादा लोग उपस्थित रहे। हरिद्वार से एबी लाइव न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। न सिर्फ हरिद्वार न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत को प्लास्टिक मुक्त कैसे बनाया जाए इसके विचार में ये गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया गया और मैं बहुत बार बधाई देना चाहूँगी यूएनईपी जो कि यूनाइटेड नेशन की बॉडी एंड दे वर्किंग सो मच फॉर द एनवायरनमेंट कॉज गंगा महासभा जिन्होंने इतने अच्छे स्केल पर आकर इसको यहाँ पर जो है उसका आयोजन किया ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट जिन्होंने इसको और अच्छे सहयोग में स्वरूप में लाने का विचार किया और मेरी पूरी टीम जो है वो स्पर्श गंगा की टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है और सलोनी जी जो कि इस प्रोग्राम को काफ़ी आगे लेके जा रही हैं के साथ मिलकर हम ये मैसेज लेकर आए हैं कि लव फॉरएवर तो हो सकता है लेकिन प्लास्टिक फॉरएवर नहीं होना चाहिए और इसी मैसेज को किस तरीके से पूरे देश और दुनिया में हम लेकर जाएं उसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत आज हरिद्वार में आप लोगों ने जो ये गंगा के और माध्यम से समस्त नदियों के से जो प्लास्टिक को समाप्त करने का और विशेषतः सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का आह्वान किया है ये इसकी हम बहुत बहुत आपको शुभकामना देते हैं बधाई देते हैं। ये कार्यक्रम बहुत पहले शुरू हो जाने चाहिए थे अभी शुरू हुए हैं तब भी अभी देर नहीं हुई है और हम आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम सिर्फ आज एक शुरुआत का पहला कदम हमारा साबित होगा और आगे हम सब लोग साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और जो हमने शपथ ली है उसको शपथ को मानते हुए अपने घर में और अपने समाज में और जहां हम कार्य करते हैं वहां सिंगल यूज प्लास्टिक से लेकर के जितना भी संभव है प्लास्टिक का हम पूरा बहिष्कार करेंगे और उसको अगर यूज में हो रहा है तो उसको सही स्थान पर उसके निष्पादन के लिए रिसाइकलिंग के लिए भेजने का प्रबंध करने में सहयोग करें। गंगा का जो एक उत्सव रखा गया गंगा के लिए जो स्वच्छता का कार्य रखा गया इसके लिए निसंदेह है यह यूएन संस्था बधाई के पात्र है साधुवाद के पात्र है और ऐसे कार्य से गंगा निसंदेह धीरे धीरे पवित्र हो जाए क्योंकि गंगा 2500 किलोमीटर तक चल करके आई है और गंगा गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर तक गई। गंगा सागर के बीच में जहाँ जहाँ गंगा को अपवित्र रखने का प्रयास किया गया है या वो फैक्ट्री हो नाला हो या वो अन्य कोई संस्था हो मैं चाहूँगा कि उन सभी संस्थाओं में प्रेरणा मिले उन सभी संस्थाओं को एक प्रेरणा हो कि गंगा मेरी माँ है गंगा को कैसे पवित्र रखा जाए गंगा को कैसे पुनीत रखा जाए। भैया जब तक गंगा मैया पवित्र नहीं रहेंगी तब तक हमारा देश हमारा राज्य हमारा हमारी समृद्धि हमारा संस्थान और हमारा व्यक्तित्व पवित्र नहीं हो सकता। नाम भी बड़ा सुंदर दिया तो एक उपाय क्या उपाय है तो उपाय यह है कि जो अवशेष चीज है जो प्लास्टिक है जो देश में गंगा को अपवित्र कर सकती है जो इन ऐसे कूड़े हैं ऐसे वस्तु हैं जो गंगा में कभी गल नहीं सकते गंगा को कभी पवित्र नहीं कर सकता ऐसे चीजों को गंगा में आप न डालें। गंगा गंगा में मन को डालें गंगा में वाणी को डालें गंगा में मन की पवित्रता को डालें गंगा में शुद्धिकरण के विचार व्यवहारिक